नमस्कार, ग्लिम्स डॉट इन में आपका स्वागत है। राजिम कुंभ आयोजन के वक्त से लगे मीना बाजार में अब खुलेआम परोसी जा रही है खाने पीने के सामान के साथ खतरनाक बीमारियां, जिसमें है हैजा फैलने का खतरा और प्रशासन है कुंभकर्णी नींद में। देखिए बड़ा खुलासा गरियाबंद से शेख इमरान की इस खास रिपोर्ट में। राजिम कुंभ आयोजन के वक्त से लगे राजिम में चमचमाते मीना बाजार कुंभ मेला समापन के बाद अब गंदगी में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ बदबू और गंदगी नजर आ रही है, जहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। बावजूद मीना बाजार अब भी संचालित है और लोगों का आना जाना भी शुरू है। जब हमारे संवाददाता ने मीना बाजार का जायजा लिया तो चारों तरफ गंदगी का आलम ही दिखा। मीना बाजार में घूमने आए लोग तो बदबू से परेशान थे ही, वहीं मीना बाजार में फैली गंदगी की बदबू नगर पंचायत कार्यालय तक जा रही है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल में मक्खियां भिनभिना रही हैं और दुकान संचालक अपनी मनमानी करते हुए मेले घूमने आए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। स्थिति ये है कि खतरनाक हैजे जैसी बीमारी फैलने का खतरा अब राजिम में मंडरा रहा है। नहीं, अब गंदगी तो है, मेला है तो गंदगी होना तो जरूरी है। सब भीड़ भाड़ में नहीं, साफ सफाई होना चाहिए और जरूरी है साफ सफाई होना। खाने पीने की चीज में क्या मक्खियाँ झूम रही हैं? अभी तो हम लोग खा रहे हैं उसमें तो नहीं है। और जगह बेच रहे हैं उसमें दिख रहा है, ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मक्खियाँ झूम रही है ना, अब वो तो सामान है तो उसमें तो झूमना जरूरी है। खुला रहेगा तो मक्खियाँ जरूर आएगी। कैसा लग रहा है घूम रहे हो तो? बहुत बेकार लग रहा है। बहुत बेकार। खाने पीने की चीज क्या सुरक्षित है? नहीं। कैसे क्या देख रहे हो उसमें? मक्खियाँ झूम रही है। मक्खियाँ झूम रही है। हाँ, कितना गंदगी देख रहे हो इधर? बहुत गंदगी है। तो सफाई हो रहा है यार इधर? क्या कुछ नजर आ रहा है? कोई सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई खतरा? बहुत खतरा है, बीमारियों का खतरा है। कहाँ से आए हो आप? गरियाबंद से। क्या लगता है सफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा कि क्या? कितना खतरा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा खतरा। खाने पीने की चीज कितना सुरक्षित है? इसमें तो पेट से जो भरा है ना वो भी फेंकाने के ये, मतलब सफाई नहीं हो रहा है? कुछ नहीं है सफाई। इस पूरे मामले में मीना बाजार में लगे दुकान संचालक ने बताया कि बकायदा खाद्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण भी किया और चला गया। तो सवाल पैदा होता है, क्या खाद्य विभाग के अधिकारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर निरीक्षण किया था? नहीं सर, ऐसा नहीं परोसा जाता है। जो जिसमें मक्खी झूम रही है, जो खुला आप सामान देख रहे हैं वो सैंपल के लिए रखा हुआ है, बाकी तो पैकेट और भी चीजें हो तो सब बाहर में, सारे में तो मक्खियाँ झूम रही है। मतलब कुछ शुद्धता नाम की कोई चीज है यहाँ? शुद्धता तो है ना सर, पैकेट है जी। कोई अधिकारी या कोई निरीक्षण करने आते हैं? आते हैं। कौन आता है? अब नाम तो हमको मालूम नहीं, आए थे निरीक्षण करके गए हैं। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले, आए निरीक्षण करके लगे किए और उसके बाद कुछ सैंपल भी लेके गए। वो बढ़िया बोले? बढ़िया का नहीं बोले, निरीक्षण किए और सैंपल लेके गए। मीना बाजार में फैली गंदगी की सफाई व्यवस्था पर जिम्मेदार मुख्य नगर पंचायत अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उनके पास संसाधन की कमी है, ये कहते हुए बेहद ही हल्का जवाब दिया गया। मीना बाजार में सफाई व्यवस्था नगर पंचायत राजिम के द्वारा सुबह कराई जाती है और चूंकि अभी नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुंभ मेला भी चल रहा था तो हमारे पास एक सीमित संसाधन है, उन्हीं कर्मचारियों से सफाई कराया जा रहा था और अभी वर्तमान में हमारे द्वारा लेबर बढ़ाया गया है। जैसे मीना बाजार कम्प्लीट होगी पूरी शहर की सफाई कराई जाएगी। बदबू शुरू हो चुकी है, मक्खियां झूम रही हैं खाने की चीज़ें, चूँकि वो जमीन जो है प्राइवेट लैंड में है और प्राइवेट लैंड के कारण, प्राइवेट लैंड है वो जो प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत है, इसलिए हमारे द्वारा सफाई कराई जा रही है, फॉगिंग मशीन चलाई जा रही है। क्योंकि हमारा जो मुख्य निकाय क्षेत्र भी देखना है और हमारे पास संसाधन जो है सीमित है और मेला क्षेत्र को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी दुकान जो है मेला क्षेत्र की कुंभ क्षेत्र में जो लगी हुई थी दुकानें उठ रही, जिसके कारण नदी में जो है कचरा ज्यादा फैल रहा है। हमारा फोकस नदी पहले है, उसके बाद यहाँ के सफाई करवा रहे हैं। मीना बाजार में गंदगी इतनी ज्यादा है कि अगर समय पर सफाई नहीं की गई तो पूरा शहर हैजे की चपेट में आ सकता है। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
राजिम कुंभ में सबसे मनोरंजन का स्थान होता है मीना बाजार। हालांकि राजिम कुंभ का समापन हो चुका है और मेले का भी समापन हो चुका है, लेकिन हमने जब लेने की खाने पीने की चीज मीना बाजार में किस स्तर पर बिक रहा है और कैसी शुद्धता है। यहां जैसे पहुंचे तो आप देख सकते हैं मक्खियां यहां पे झूम रही, क्योंकि मेले का आयोजन लगभग 10 से ज़्यादा दिनों तक होता है और ये मीना बाजार में खाने पीने की चीज यहाँ पे मिलता है। तो सारी जगह हमने देखा कि मक्खियाँ झूम रही हैं और काफ़ी बदबू भी है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वैसे ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी गंभीर बीमारियाँ इसमें हो सकता है। हालांकि यहाँ का संचालक ने यह साफ कहा है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पैकेट में रखा जाता है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ आप देख सकते हैं या ये आप देख सकते हैं खुला वाला जगह आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ जो रखा हुआ है मक्खियाँ इसमें बैठ रही हैं और सबसे कई गंभीर जानलेवा बीमारी इससे हो सकता है। तो खाद्य विभाग को इसकी जानकारी बखूबी है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है और कई तरह के रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं। बावजूद यहाँ पे एक तरह की मनमानी देखा जा सकता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है ये साफ तौर पर मीना बाजार में देखा जा सकता है। हालांकि इन पर क्या कार्रवाई होगा ये विभागीय जांच का मामला है, लेकिन जो भी तस्वीर हमने देखा वो बेहद ही भयानक है। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान, ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूँ जावेद अली और ग्लिप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन नेशन वन इलेक्शन।